अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शरमान। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं ये आगाज़। और तकरीबन पिछले 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं बारिशें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब के लिए बायस रहमत फरमाए, बस किसी के लिए बायस ज़हमत ना हो ये बारिशें। बहुत सारे इलाकों में पानी सैलाब आया भी है, स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पिंडी का इलाका है, कराची है, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं। बहरहाल अल्लाह पाक सब के लिए बेहतर फरमाए, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया जी। इन दिनों में बारिश के बाद हफ्स हो जाती है, लेकिन यहाँ अब बहुत प्यारी तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम बड़ा खुशगवार है। वो जो गर्मी और हफ्स का जो एहसास है वो बिल्कुल नहीं है अभी। तो अभी लॉन की पोजिशन बहुत अच्छी हो गई है, ग्रास की कटिंग की थी ईद से पहले, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो देखते हैं इसकी कटिंग अगर जरूरत पड़ी तो फिर आज या कल में करते हैं, क्योंकि कल से मुसलसल बारिश हो रही है, इसलिए अभी जगह जो है गीली है। देखता हूँ शाम तक अगर बारिश ना हुई तो फिर शाम को इसकी कटिंग कर देंगे। और बहुत खूबसूरत ग्रास हो गई है, क्योंकि बारिशों की वजह से पानी बहुत खुला मिला है, तो ग्रास बारिश के पानी से ग्रास की नशोनुमा बहुत बढ़ जाती है। तो जिस वजह से घास हमारी बहुत खूबसूरत होगी है। अभी देखते हैं, अभी अगर शाम तक बारिश ना हुई तो फिर घास की कटिंग कर देंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। सब्जियां हमारी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, ये देखें बेलें। कुछ गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है मई और जून में, तो उस वजह से जल भी गई थी गर्मी से। और ये हालांकि अब बारिशों की वजह से बहुत प्यारी हो गई हैं, लेकिन प्रोग्राम मेरा बन रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको ख़त्म करूं, क्योंकि अभी सब्जियों का सीज़न शुरू हो रहा है। एक बंदे से मुझे मिल रहे हैं पनीरी, गोभी की पनीरी मिल रही है, सब्ज मिर्चों की मिल रही है, और मटर के बीज मैं ले रहा हूँ। हमारा क्लाइंट ही है, उसके केस हमारे पास चल रहे हैं, तो ज़िम्मेदार है। तो वो कह रहा था कि मैं आपको बहुत अच्छे वाले बीज दूंगा, जिससे आपका जो है सब्जियों का फल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, जैसे मटर है, गोभी है। तो इंशाल्लाह लेते हैं बीज और पनीरी और नए सिरे से नई काश्त करते हैं। मेहमान आए हैं जी लाहौर से, बच्चे हैं, अब्दुल हादी आया है, मुहिब आया है। अब्दुल हादी कैसे हो? मुहिब आप कैसे हो? ठीक हो? आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है ओकाड़ा में आके? बहुत अच्छा। तो अभी क्या प्लान है, खेलने का? हाँ जी। चलो अभी चलते हैं फुटबॉल खेलते हैं ग्राउंड में। लो जी अभी हम चलते हैं बच्चों के साथ ग्राउंड में, और बच्चों ने कहा जी हमने फुटबॉल खेलना है, चल के फुटबॉल खेलते हैं। अभी हुसैन आया है, हुसैन भी फुटबॉल खेलने का प्रोग्राम है हुसैन का भी। और ये अहमद भी फुटबॉल का क्या प्रोग्राम है? खेलने का है फुटबॉल। Yes. स्कूल के ग्राउंड में खेलना है लॉन में? स्कूल के ग्राउंड में कैसे? हाँ चलो ठीक है, स्कूल के ग्राउंड में जा रहे हैं बच्चे सब। चलें जी स्कूल के ग्राउंड में चलते हैं बच्चे, बच्चों का प्लान है जी स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने का, तो चलते हैं फुटबॉल लेके स्कूल के ग्राउंड। आए हैं जी ग्राउंड में, और ग्राउंड की पोजिशन कुछ यूँ है कि 2-3 दिन से 4 दिन से बारिश हो रही है और अभी पानी है। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि ये ग्रासी ग्राउंड है, अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे ग्राउंड खुश्क है या पानी है। तो अभी देखते हैं, बच्चे रास्ते में शुरू हो गए हैं बच्चे। अभी जी ग्राउंड में आके अब देख रहे हैं कि कैसे खेलना है, पार्टनर बना के खेलना है या ऐसे ही मिक्सअप होके। तो अभी कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्रास चूँकि काफ़ी बड़ी हो गई है तो भैंसें देखें घास खा रही हैं, लेकिन ग्राउंड अच्छा ग्रासी है इसलिए पानी यहाँ पे ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। दो टीमें बन गई हैं जी, एक बंदा कम था लिहाजा बच्चों के पुरजोर इसरार पर मैं खेल रहा हूँ एक टीम की तरफ से। मैंने बच्चों को कहा बच्चों मैं गोलकीपर हूँ, आपने खेलना है आगे, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि गोल की पूरी पूरी हिफाजत करूँ। मैं हूँ अब्दुल हादी और हुसैन, रयान अहमद और मुहिब, ये हमारी टीमें हैं जी दो। अभी गेम शुरू होने वाली है। अहमद गोलकीपर है,
अहमद अब्दुल हादी लेके जा रहा है। अभी हुई है जी ब्रेक, ब्रेक में मुहिब हुसैन मैं अहमद थोड़ा सा ले रहे हैं सांस, पसीने आ गए हैं। अब्दुल हादी आज का बेस्ट प्लेयर, बेहतरीन खेला है रियान, कोशिश कर रहा है अपनी टीम की तरफ से, लेकिन हमारी टीम का हीरो अब्दुल हादी है, बेहतरीन फॉरवर्ड, शानदार गोल किए हैं इसने। अब्दुल्ला इस वक्त नहा रहा है अब्दुल्ला अपने स्विमिंग पूल में बैठा है और फुल मस्ती मूड में। अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला अब्दुल्ला खूब इस वक्त फुल मस्ती में। बहुत अच्छी वीडियो दादी की। जैनब एंजॉय कर रही है अब्दुल्ला के साथ, है जैनब। कौन है अब्दुल्ला? यहाँ कैसा लग रहा है अब्दुल्ला आपको? तो अभी है जी अहमद की बर्थडे, और बर्थडे पे हम सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, मुहिब अब्दुल हादी रेहान, और अभी चलते हैं बर्थडे पे और जाके देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। ठीक है जी, चले बच्चों। yes. चले चले बच्चे भेजे हैं जी, तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी हो रही है। हमने सजावट भी नहीं। ये हमारा अली अली हमारा आया है जी, फर्स्ट टाइम मुलाकात है मेरी अली के साथ। अभी 12 साल हो चुके हैं, मैं इनको मिल चुका हूं। हां जी, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अली ने 12 साल पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, लेकिन मुलाकात आज हो रही है। अहमद की है जी बर्थडे, और ये है आज का बर्थडे बॉय अहमद। आज आप कितने साल के हो गए हो? मैं पूरे 9 साल का। माशाल्लाह जी, आज 9th बर्थडे है जी अहमद, 9 साल का हो गया। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3 में। अभी 3 में 7 8 में तो होना चाहिए, 9 ईयर के हो गए हो तो क्लास 8 में नहीं होना चाहिए। इतना छोटा हूँ अभी तो। चलो ठीक है जी, तो अभी हम केक काटने की तैयारी करते हैं। ये हुसैन भी आ गया है।